तो बागेश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल बहुत चर्चे में हैं, और इतना चर्चे में हैं कि हर तरह से इनका अफवाह फैलाया जा रहा है, और शादी ये जया किशोरी से करने वाले हैं ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जया किशोरी के संग से शादी को लेकर उमड़ी अफवाह। तो गाइस, ये कितना सच है, कितना सही है, अफवाह है, गलत है या सही है, ये सभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो खुलकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने बताया है। और इनके हर एक ट्रेंडिंग विषय अभी चल रहा है, और तो और शास्त्री जी ने बहुत सारा ऐसा काम किए हैं जिनका इसका नाम जया किशोरी के साथ जोड़ा जा रहा है, और बताया जा रहा है कि गाइस इसका शादी उसी से होने वाला है, लेकिन ये पूरा के पूरा खारिज कर दिए हैं, ऐसा गलत है। और चलिए आगे मैं बताता हूँ, ये गलत और मिथ्या ऐसा कोई भाव नहीं है। इस अफवाह से हम बहुत आक्रोशित हुए थे, हमने एक लिखित बयान भी जारी किया था कि एक्शन लेंगे। जब नाम होता है तो बदनामी तो पीछे से जुड़ ही जाती है, ये शास्त्री जी ने खुलकर जया किशोरी के बीच में बता दिए हैं। तो गाइस, ये सभी जितने भी अफवाह फैलाया जा रहा है सब मिथ्या है, सब गलत है, ये साफ सुथरा शब्द में शास्त्री जी ने सभी को बता दिए हैं। तो इनके विषय में क्या कहें, अभी आज ट्रेंडिंग पर है, सोशल मीडिया पर है, और जया किशोरी का इतना फैन फॉलोवर्स है, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और फेसबुक पर इनका 9 मिलियन के समथिंग में फॉलोवर्स है, और यूट्यूब चैनल भी है इनका, और बागेश्वर धाम का भी यूट्यूब चैनल है। तो गाइस, ये इसका छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी इन पर बहुत सारा चर्चा किए हैं, तो वो क्या कहे हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। ज्ञान की बात है लोगों के जीवन में, क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना, जोशी मठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अभी चुनौती को स्वीकार करेगा। अब जया किशोरी के साथ शादी के चर्चे में काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और ये इतना बढ़ चुका है क्योंकि अभी पूरा फुल ट्रेंडिंग में है बाबा बागेश्वर धाम, ये सरकार। चलिए, आप क्या कहते हैं, आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर दें।